Hello everyone, I'm Pratibha and you are all welcome to my channel that is Pratibha's Real Blog. आप सब कैसे हो दोस्त? हम सब अच्छे और आप सबको हमारी नए ब्लॉग में वेलकम 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 तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो आज है संडे, तो आज के दिन मैं चिकन बना रही हूँ। आज मैं चिकन अलग तरीके से बना रही हूँ। तो देखो, पहले तो हम ये पेज है ना, उसको फ्राई कर लिया। तो बाद में उसके बाद मैंने चिकन को डाल दिया, वो पेज के साथ फ्राई हो जाएगा। फिर थोड़ा सा लाल लाल रेड कलर जब आ जाएगा ना, उसके बाद हम मसाला जो बनाए वो पेज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, वो सबका पेस्ट और चिली, वो सबका पेस्ट मैं डाल दूँगी ये जब चिकन लाल कलर का हो जाएगा उसके बाद। ये नई टेक्निक में बना के देखते हो क्या होता है ये चिकन। तो आप सब लोग हमारे साथ रहे, मतलब ये ब्लॉग देखते ही रह जाए। तो ये आटे को गूंद लिया और इधर देखिए, तो इधर है चिकन बना पकौड़ा बनाने का छोटा छोटा वो सॉलिड वाला पीस, उसको मैं मसाला से मैरिनेट करके रखा। तो इधर है वो जो चिकन का पेस्ट, वो उसको हम डाल देंगे। ये जब फ्राई हो जाएगा तभी मैं डाल दूँगी। आज ऐसे बहुत कम ही बनाते, आज थोड़ा सोच लिया कि ऐसे ही बना के देखते क्या होता है। तो आज और भी एक चीज़ बनेगा, वो है काला चना का रेसिपी। वो ये काला चना मैंने बॉईल करके रखा, तो इसको मैं पेज डाल के, मिर्ची डाल के थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा फ्राई काला चना। तो इधर देखिए, ये बर्तन वगैरह बस साफ करके रख दिया मेरा थोड़ा मदद कर रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा खाना बनाना है। इसलिए रोटी को गूंद लिया उसने ही, वो चिकन जो था उसको मैरिनेट भी कर लिया, मसाला मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, फिर और उसने बस वो मैरिनेट करके रख दिया। तो अभी बनाएंगे एक चिकन का पकोड़ा, देखते हैं कैसे बनाए, मतलब कैसे मैरिनेट हुआ है। ये टेस्ट करने के लिए मैं इंडक्शन ऑन कर दिया, इस पे मैं बना लूँगी वो एक चिकन पकोड़ा। उसके बाद देखेंगे नमक सब कुछ ठीक है क्या नहीं। यहाँ पे गैस पे बन रहा है चिकन, फ्राई हो रहा है चिकन, और इंडक्शन में हम तेल, एक पतीले में तेल डाल दिया और उसमें पकोड़ा बना रही है और थोड़ा थोड़ा चख भी रही है। तो बहुत टेस्टी पकोड़ा बना है। तो शनि ने बार बार आके बोल रहा है पकौड़े के बारे में, तो कहाँ है पकौड़ा, तो उसको खाना है ना, इसलिए वो ऐसे आ रही है बार बार। तो अभी देखिए मसाला डाल दिया और टमाटर भी डाल दिया चिकन में। अब इधर पकौड़ा बना रही हूँ, तो यहाँ पे इंडक्शन पे जल्दी जल्दी हो जाता है, बहुत स्पीड है इसलिए जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैं स्लो कर देती हूँ। तो अभी ये सब पकौड़ा बनाएंगे और खाएंगे ये चिकन वाला पकौड़ा। इसमें बहुत सारे मसाला डाले, जैसे कि लहसुन, मिर्च पेस्ट करके डाले, जीरा पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, लेमन डाल दिया, मतलब नींबू का रस, तो ये सब डाल के बेसन और चावल का आटा वो भी डाल दिया और डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया 1 घंटे। अब मेरा पकौड़ा बन गए, इसको मैं ईशानी को दूंगी अभी सॉस के साथ, उसको सॉस पसंद है इसलिए अब दोनों, मतलब मैं और मेरी बच्ची दोनों पकौड़े सॉस के साथ खा रही हूँ। बहुत टेस्टी बना है, ईशानी को पकोड़े बहुत पसंद आए, तो इसलिए ये बोल रहा मैं सब खा लूँगी, सब कुछ ख़त्म कर दूँगी, तो बहुत ज़्यादा बना है।
तो उसके साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा खा रही थी और आप चले आए किचन में। तो बीच बीच में चिकन को देखना ज़रूरी है, नहीं तो जल जाता है। और अभी चिकन को ढक्कन लगा के धीमी आंच में पकाना है, तो इसमें चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है, नहीं पता चलता है कितना टेस्टी बना है। अब तो स्टोव में पका रही हूँ, चिकन को ले आए बाहर, तो ईशानी के पापा बाजार गए थे तो बाजार से आ गए, और उसके साथ हम जब पहले जहाँ रहते थे उधर गए थे, तो उधर से हमारा पौधा था पुदीने के पत्ते का, मतलब पुदीने की गाछ था, तो उसको थोड़ा उठा के ले आए, तो उसको पीछे लगाना है इसलिए वो पौधा ले आए। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको फ्राई कर रही हूँ और उसके पापा के साथ थोड़ा बात कर रही हूँ, वो हमारा पौधा ले आए, पौधा के बारे में, पुदीने के पौधा ले आए उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो उसको लगाना है अभी। हमारे घर के पीछे ज़मीन है खाली, तो उधर हम लगा देंगे पौधा, तो उसके पापा ही लगाएगा। तो इधर तो हम चिकन बना रही हूँ कैसे जाए। तो अभी चिकन फ्राई हो गए, तो मैं पानी दे दिया, पानी दे के अच्छे से ढक देंगे तो अच्छे से वो बॉयल भी हो जाएगा। देखिए दोस्त, ईशानी की बाबा बाजार से क्या लेके आए, धनिया के पत्ते लेके आए, तो उसको चिकन करी में डालना है और थोड़ा लास्ट में जो पकौड़ा बचा है मतलब उसमें दे देंगे थोड़ा थोड़ा काट करके, तो स्मेल तो बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो ये पत्ते को धोना है, पत्ते को निकाल के मैं गर्म पानी है इसमें, तो गर्म पानी में से धो देंगे, धो के फिर ये जो कड़ी है लास्ट में डाल देंगे, तो स्मेल तो बहुत ही अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है धनिया के पत्ता, मुझे बहुत पसंद है। इसके पकौड़ा भी अच्छा बनता है और जिसमें दो तो दाल वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा सा देने से बहुत ही एक स्मेल अलग सा आ जाता है। अब मैंने धनिया के पत्ता दे दिया और देके थोड़ा सा मैं जला के इसको फिर बंद कर दूंगी, फिर बन जाएगा हमारा चिकन करी। अभी बन गए हमारा चिकन करी, बन के तैयार हो गए। इसमें थोड़ा सा बस मसाला एक डालना है, ये जो मीट मसाला है इसको डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ही डाल देंगे। इसमें लगभग 1.5 kg चिकन है तो इसमें थोड़ा सा ही डाल दिया, तो अभी बन गए हमारा चिकन करी। अब इसके बाद और कुछ भी बनाना है, तो मेरा तो कमर में दर्द हो गए, तो और भी है बनाना, तो ये बोल रही हैं हम। इसके बाद बनेगा रोटी, काला चना, चावल, चटनी, इतना सारा कुछ बनाना है। तो अभी जाएंगे पौधा लगाने के लिए बाहर, तो यानी कि पापा लगा रही है पौधा वो पुदीने के पत्ते जो होगा। तो पहले जिधर जहाँ था हम उधर बहुत सारा पौधा लगाए थे हम पुदीने के, तो उधर से उठा के ले आए, एक बहुत ही छोटा वाला एक पौधा ले आए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके साथ चटनी भी बनता है इसलिए हम ये लगाए। तो ये था हमारा एक ब्लॉग, आज संडे था तो चिकन का ब्लॉग था इसका, आज चिकन पकौड़ा बहुत कुछ, काला चना ये सब बनेगा आज। तो आज थोड़ा हेवी बना खाना बनता है हमारा घर में, तो आप सबके साथ शेयर करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको कैसा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आप सब अच्छे रहे, खुश रहे। ओके, बाय बाय।